हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू। आपका स्वागत है अंजू किचन में। आज हम पान शॉट बनाएंगे। आप इसे समर में ट्राई कीजिए या खाने के बाद पान की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए पान शॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 700 ग्राम वेनिला आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून गुलकंद, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है हमने, पान मसाला लिया है हमने, 4-5 बनारसी या कलकत्ता पान यूज करें। तो चलिए पान शॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। पान को हम इसे इस तरह से बारीक काट लेंगे। अब हम डालेंगे पान मसाला, इसमें टूटी फ्रूटी सौंफ, सुपारी, गुलकंद, खोबरा है और इलायची भी है। अब हम डालेंगे सौंफ। इसके बाद हम ऐड करेंगे गुलकंद। आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम ऐड करने के बाद हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप इसे पान की जगह ट्राई कर सकते हैं, या घर में पार्टी हो तो भी ट्राई कर सकते हैं, या आप इसे समर में भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और पान मसाला की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे पान मसाला। इसमें टूटी फ्रूटी, खोबरा, सौंफ है। टूटी फ्रूटी को थोड़ा और ऐड कर देंगे। हमारा पान शॉट रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।